पता नहीं क्या दे रही है मौसी, देख लीजिए बोल रहे हैं मौसी बहन दीजिए, पता नहीं क्या देख सकते हैं पन्नी में, बहुत प्यारी मौसी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कल दिवाली का था, जैसा कि आप सब जानते हैं दिवाली का ब्लॉग कल देख लिए होंगे। तो आज है दिवाली का दूसरा दिन, जो उसके बाद वाला दिन आता है उसमें कहते हैं लोग कि पढ़ा लिखा नहीं जाता है, आज पढ़ो लिखो ना, मतलब ये खैर दिन माना जाता है। और खुरपी वगैरह वाला काम भी ना किया जाए, लोहा से जो काम कर किया जाता है उससे भी नहीं किया जाता है। तो फिलहाल में देख सकते हैं हमारे आँखों मम्मी जी ने कल कितना लगा दिया है। रात में जब सोए थे, मतलब कल तो सोने हमें 11 बज गए थे, सोने मंदिर पे वहाँ पे गए थे, लक्ष्मी माता बैठी वहाँ पे प्रोग्राम सब, मतलब कि डांस वांस कर रहे थे सब लोग, तो हम भी वहीं पे थे। आरती हुआ 8 बजे, फिर इसके बाद लगभग वहाँ पे पटाखे उटाखे भी छुटे अच्छे खासे, तो वहाँ से आने में बज गए 11:30। तो सोए तो मम्मी आई, बोली अभी को आ रहे हो? तो मैंने कहा हाँ ठीक, मैं अभी आया। तो वही पूरा देख रहे थे काजल कितना लगा दी है, देख लो इधर इधर दोनों में, पहली बार लगाए हैं। पहले साल, अगले साल तो थे ही नहीं, दिल्ली में थे, इस साल थे घर पे, तो मम्मी पाई अच्छे से लगा दी पूरा, तो मुझे भी लगा दी। विकास हुआ था, विकास को भी लगा दी, सबको लगा दी, देख सकते इधर इसका भी तो गाइस अभी सुबह उठे कितने, आज तो बहुत लेट उठे, आज से उठने में हमें टाइम हुआ, टाइम 9:30 बजे आज उठे। और फिर इसके बाद ब्रश वगैरह अभी को किए, जैसा कि अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 10 बज रहे हैं, मतलब बैठे थोड़ा सा उठने के बाद रेस्ट किए, फिर इसके बाद ब्रश किए। तो फाइनली अब चलते हैं, खाते हैं, देखते हैं विकास खा रहा है खाना, मैं भी चलकर खा लेता हूँ और फिर इसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे जुड़े नहीं हो, तो फटाफट से जुड़ लेना हमसे, क्योंकि हम अच्छे अच्छे ब्लॉग इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर इसके बाद बने रहे ब्लॉग में आप। फाइनली हम भी नहावा के रेडी हो चुके हैं, मंदिर पर आज सुंदरकांड होने वाला है, तो अभी वहाँ पर चलेंगे। पापा जी को वहाँ से बुलाने के लिए माइक्रोफोन से चिल्ला रहे हैं कि विशाल के पापा कहाँ हो, जल्दी से आइए आप पंडाल पे। तो पापा जी फाइनली गए हैं रेडी होने, देख सकते हैं वहाँ पे नल पे, और हम भी चलेंगे वहीं पे। तो आप बने रहे ब्लॉग में, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे सुंदरकांड होता है। नवरात्र में आप तो देखे ही होंगे, हमारे घर जब माता बैठी, दुर्गा माता बैठी थी, तो आपको दिखाए थे सुंदरकांड। तो फाइनली वही लोग हैं जो सुंदरकांड करने वाले हैं, तो चलिए दिखाते हैं वहाँ पर कैसे सुंदरकांड होता है। इधर विकास मोबाइल चला रहा है, और इधर अंकल जी देख सकते हैं चुपके चुपके से क्या बिस्किट खा, ये नहीं बोल रहे हैं कि जाके दूसरा ले लो, मतलब तब हमें को दूसरा लेना पड़ा। देख सकते हैं यहाँ पे एक ठो लीजिए, तो एक ठो हम खा लेते हैं। तो गाइस फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं सुंदरकांड का पाठ इधर बैठा हुआ है, पापा और सब लोग हैं सुंदर पाठ कर रहे हैं, और इधर दादा जी बैठे हुए हैं। तो फाइनली शाम को हो सकता है प्रोग्राम रखा गया है, देख सकते हैं अगर होगा तो इस वीडियो में हम ऐड कर देंगे अगर होगा तो। आज पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, इधर मैच खेल रहे हैं सब लोग, जीत इधर बैठा हुआ है, खेले कि नहीं खेल रहे हो? तो देख सकते हैं रंजीत, नहीं छुड़ाते क्या तुम लोग? चलो तुम्हारा फुस्सी है, नहीं बोलेगा। राज तुम हाथ से जला रहे हो? अरे तुम फेंकना मत हमारे ऊपर, देख सकते हैं हाथ में जला रहा है, हाथ में लग जाएगा। चलो तुम्हारा फुस्सी निकल। कल का रंगोली दिखाते हैं आपको, जो कल खुशी बनाई थी, और फिर इसके बाद राज का जो मंदिर था जो टूट गया था उसको भी कैसे मेंटेन कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे राज का ये मंदिर जो कि मेंटेन हो चुका है एकदम अच्छे तरीके से। इधर देख सकते हैं टूटा था तो वाइट, मतलब चूना से इसे पेंट कर दिया, देख सकते हैं वाइट वाइट हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं रंगोली खुशी बनाई है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इसे देख सकते हैं नीम के पेड़ को साइड साइड में चारों तरफ कुछ इस तरह से देख सकते हैं बना दिया है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा खुशी बनाई थी। मेरा दिल दिखा दो, तो मैंने कहा ठीक है दिखा देते हैं। वो बोल रहा है मैं बोला मेरा दिल नहीं दिखाओगे? वो दिल बनाया है, दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं इधर दिल बनाया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये किसका दिल है राज? ये तुम्हारा दिल है? ये टूटा है कैसा बीच में से? देख सकते हैं लक्ष्मी माता जी, और इसका सीढ़ी टूट गया था, जो खुरापाती लड़का है जिसको आप जानते होंगे, ये पूरा इसे हाथ से पकड़ के तोड़ दिया था ऐसे ही। रोशन बाइक लेके आया, बोल रहा है जाओ जहाँ जाना हो, तो मैंने मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, बोल रहा है कि मम्मी की अम्मी बोली कि कहीं जाना है लिवा के उन्हें, तो पता नहीं कहाँ जाना है, कहीं जाना है क्या? कहाँ कहाँ बता, आज छुट्टी है, आज पढ़ा नहीं है, आज छुट्टी है। देख सकते हैं मम्मी जी कहाँ चलना है, ज्यादा तबियत खराब है। तो गाइस एक मौसा जी हैं किशनपुर, तो वहाँ पे उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं लिवा के इमरजेंसी में। तो चलो हमें पता ही नहीं था जाना है,
चलो क्या दिक्कत है, चलने में क्या दिक्कत है, गाड़ी तो आई गई है, रोशन लेके आया, अभी बोल रहा है कहीं जाना है जाओ, तो चलो चलते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं आपको। फिर हम जूता पहन लेते हैं, जूता हमारा साफ है कि नहीं, मेला में गए थे पहनने पहन के, पता नहीं साफ भी नहीं है, देख सकते पूरा एकदम वैसे ही फेंका है, मेले में से आए तुरंत निकाल के से फेंक दिए, अभी तक ऐसे ही पड़ा ही है, अब पता नहीं कब पचारा जाएगा। तो चलो कपड़े पहन लेते हैं फटाफट से, देख सकते हैं अपना वहां से कपड़े सब हटा के, मतलब एक दो कपड़े उधर है कोटी टांगे हैं, सब कपड़े यहाँ पे अलमारी में अच्छे से प्रेस करके यहाँ पे रख दिए हैं, कपड़े पहन लिए हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है कपड़ा। अब इसके बाद चल रहे हैं मुंह धो लेंगे थोड़ा सा फ्रेश हो, और अब सही है रहता है ऐसे कपड़े पहनने के बाद मुंह धो, अच्छा रहता है देखने में, बढ़िया लगता है। तो देख सकते हैं विकास भी बोल रहा है हम भी चलेंगे, तो चलोगे, चलो चलना हो तो देखे हम उषा को, नहीं जाओगे? तो विकास नहीं जाएगा, चलो हम चलते हैं और मम्मी जाएगी। चलो तब रेडी हो आप? चलो मम्मी भी रेडी है, हम भी थोड़ा सा बस मुंह धोएंगे फिर निकलेंगे। तो गाइस चलिए अब चलते हैं, मम्मी जी बैठेंगी और फिर निकलते हैं, देख सकते हैं गाड़ी पर हम बैठ चुके हैं, तो बैठिए। तो गाइस फाइनली पेट्रोल पंप पे रुके हैं, तेल भरवा लेते हैं फिर इसके बाद निकलते हैं। तो यहाँ से जाना है हम लोग को कितना किलोमीटर, लगभग वही 6 किलोमीटर दूर जाना है, तो 50 का भरवा लेंगे तो हो जाएगा 50 का। फाइनली तेल भरवा लिए हैं, अब निकलते हैं, बैठिए। तो गाइस इस समय हम बिलाव मार्केट पहुँचे हैं और मम्मी जी बोल रही हैं कि मौसा जी के लिए सेब ले लो क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो देख सकते हैं इधर ले रही हैं सेब, ये नया फल है, इसको हम ट्राई करते हैं लेके। भाई यार तो मीठा कब आ रहा है? गाइस यार मीठा बहुत है ये, जैसे बालू के जैसा आ रहा है, देख सकते हैं अंदर के जैसा बलुआ जैसा आ रहा है, अनासपत्ति का है, दूसरा ब्राइट का अनासपत्ति है। तो गाइस फाइनली फल ले लिए हैं और फिर इसके बाद हम निकलते हैं। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं मौसा के घर, देख सकते हैं इधर मौसा जी लेटे हुए हैं, उनके पैर में चोट लगा है, मम्मी जी इधर पैर छू रही हैं, इधर मौसी जी, थोड़ा मौसी जी। गाइस फाइनली अब निकलते हैं घर, 5:30 बज चुके हैं, अंधेरा भी हो गया, देख सकते हैं आज सूर्य ग्रहण लगने वाला था, देख सकते हैं सूर्य भगवान भी अंदर चले गए हैं, देख सकते हैं मौसी भी आई छोड़ने के लिए, हमें बोल रही है क्या है, रहने दीजिए हम लोग बैठ जाए रहा है, क्या है इसमें? कुछ नहीं यार, पता नहीं क्या दे रही मौसी, देख लीजिए बोल रहे हैं मौसी बहन दीजिए, पता नहीं क्या देख सकते हैं पन्नी में, बहुत प्यारी मौसी है। फाइनली देख सकते हैं घर पे पहुंच चुके हैं और घर पे पहुंचने में बहुत टाइम हो गया, मतलब रास्ते में रुक गए थे, मम्मी बोल रही छोला खाने के लिए, तो कहीं दुकान पे खुला ही नहीं था छोला का दुकान, मतलब है कि बिलाव मार्केट में देखे वहाँ भी नहीं कहीं दुकान खुला हुआ था, आज मतलब दिवाली का दूसरा दिन था, आज सभी दुकानें बंद थी, और जंगी रोड मार्केट में आया तो वहाँ भी कहीं नहीं मिला, तो फिलहाल मैं घर पे आए, तो मम्मी जी कल या कभी दूसरे दिन खा लेंगी। तो फाइनली देख सकते हैं अभी को पहुँचे, देख सकते हैं यहाँ पे चाची खाना बना रही हैं, अंधेरा है, दिखी दिख भी नहीं रहा है, पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा, लाइट नहीं है, तो इसीलिए मुझे लाइट जला के देख सकते हैं तब ये वीडियो शूट करना पड़ा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से अपने चेहरा के ऊपर। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर पर, सब कुछ अपना कपड़ा वगैरह तो नहीं निकालेंगे, ऐसे रह देंगे, केवल जूते को निकाल देंगे, चप्पल पहन के फिर इसके बाद चलते हैं, और वहाँ पे मंदिर पे आज आरती होगा और फिर इसके बाद देखते हैं कुछ प्रोग्राम होगा तो उसको भी आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा, जैसे सुबह से ही आपको बता रहे हैं। देखते हैं बैक का कैमरा हम ओपन करके चालू करके फिर इसके बाद दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं आंटी जी इधर खाना बना रहे हैं, इधर ये लाइट जला के, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, इधर देख सकते हैं एक बल्ब लगा हुआ है तो लाइट है ही नहीं, तो कहाँ से जाए। तो गाइस फाइनली अभी को देख यहाँ पे आ चुके हैं माता जी के दरबार में, तो यहाँ पे आज है माता जी का 4th दिन और कल इनका विसर्जन होगा, कल वाला भी ब्लॉग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कल वाला भी ब्लॉग आप देख लीजिएगा, क्योंकि कल माता जी का हवन होगा और विसर्जन होगा, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, कैसे होगा क्या होगा सब कुछ आपको, लेकिन आपको बस एक रिक्वेस्ट है आप देख लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन कैसे पहुंचे, आपको क्या करना है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि आप जब वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देख सकते हैं सभी लोग आज माता जी का 4th दिन थे, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सब आज भारी मात्रा में लोग आएंगे, तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको सब कुछ दिखाएंगे, कितने लोग आरती में आते हैं क्या सब कुछ साथ दिखाएंगे, और दोपहर में जो सुंदर कांड हुआ था उसको भी आपको देखने को मिला होगा, वो थे हमारे बड़का पापा जी, देख सकते हैं यहाँ पे नगोचा गोचा पहन के बैठे हुए हैं, तो अभी आरती वगैरह कराते हैं, अच्छे संगीतकार हैं, जो कि इनका जो सुंदर कांड कहने का बहुत ही पुराना तजुर्बा है, बहुत पहले से ही गाते हैं। तो बड़का पापा कितने साल से गाते होंगे? अभी 15-20 साल से।
15-20 साल हो गया इन्हें सुंदरकांड करने में, मतलब कहते कहते तो हमें तो पता नहीं था, आज बढ़ के मम्मी बताने लगी तो जाने हम। तो गाइस देख सकते हैं दिया पूरा जल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो हटाया नहीं गया है, दिवाली का ही था तो मंदिर से अभी आए फाइनली खाना खाने के लिए। देख सकते हैं अंकल जी को देखिए, ऐसा लग रहा है डाकू। तो कुछ खाना निकालो, खा लेते हैं फिर इसके बाद आरती में चलेंगे, क्या पता कितना टाइम हो जाए आने में। तो खाना वाना खा लेते हैं फिर इसके बाद आरती में चलते हैं। आरती का टाइम हो गया, 8 बजे आरती होगा, इसमें 7:40 हो रहे हैं, 20 मिनट है, 20 मिनट तो खाना खा लेंगे। तो गाइस फाइनली ये श्रृंगार पूजा कंप्लीट हो गया है, अब होने जा रही है आरती। तो गाइस फाइनली आरती हो गया, अब प्रसाद का वितरण होगा, सभी लोग देख सकते हैं आरती करके इधर बैठ गए हैं। तो गाइस फाइनली आज का टोटल ब्लॉग आपको हम दिखा दिए, अब चलेंगे वीडियो एडिट करेंगे और फिर इसको बस सोया जाएगा। तो चलिए आज के लिए सुबह इतना ही, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पड़ा वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद टाटा बाय।